हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमी पॉइंट। स्टूडेंट आज है डाउट क्लास और डाउट क्लास के अंदर मेरे पास दो स्पेसिफिक डाउट्स आए हैं, उन दोनों डाउट्स को मैं आज डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट जो पहला डाउट है वो है करेक्ट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस में पुट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया और अपना डाउट्स बताया कि सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बाय पीएनएल अकाउंट करके जब हम प्रॉफिट लिखते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस में से उसमें से कई सारी चीज़ें घटाई जा रही हैं, कभी जोड़ी जा रही हैं, कभी घटाई जा रही हैं, कभी जोड़ी जा रही हैं, तो सर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिए कि कौन सी चीज़ें हमें घटानी है प्रॉफिट में और कौन सी चीज़ें जोड़नी है ताकि करेक्ट प्रॉफिट आ जाए, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके करते हैं। दूसरा जो डाउट्स आया है बच्चे वो आया है पार्टनर्स लोन के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भी डाला है, 2-3 लेक्चर पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, मगर फिर भी उस बच्चे का डाउट है सर पार्टनर्स लोन का जब डेबिट बैलेंस होता है तो क्या होता है और जब पार्टनर्स लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और इस डाउट को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले पहला डाउट ले ले स्टूडेंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लिखा जाता है वो करेक्ट प्रॉफिट कौन सा होगा। बच्चे आपको याद आता होगा फॉर्मेट, बहुत सारे क्वेश्चन सब तो हम लोगों ने कर रखे हैं, फिर भी एक रफ फॉर्मेट के जरिए मैं आपको यहां पर दिखा दूं। ये देखिए, आप अक्सर जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे बच्चे, तो आप यहां पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख रहे हैं। दिस इज बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी प्रॉफिट के ऊपर बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि कई क्वेश्चंस के अंदर इस प्रॉफिट के अंदर से कई चीजें घटाई जा रही हैं और कई चीजें जोड़ी जा रही हैं। तो बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर ये करेक्ट कैसे निकालेगा, इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट किया जाए कि कब कौन सी चीज घटानी है और कौन सी चीज इसके अंदर जोड़नी है। अब स्टूडेंट आप मेरे साथ एक नोट लिखेंगे, जिस नोट को लिखने के बाद ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप सारे मेरे साथ एक नोट लिखें, आज के बाद जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस में तो आप मेरी ये नोट याद रखिएगा। दैट इज ये जो प्रॉफिट होता है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अब आप समझ लीजिए बच्चे, आफ्टर का मतलब क्या हुआ? आफ्टर का मतलब हुआ कि ये प्रॉफिट सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को घटा कर लिखा गया है, यानी क्वेश्चंस के अंदर जितने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट घटे हुए होने चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं घटा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो घटाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट घटा हुआ होना चाहिए। जो आफ्टर का मतलब वो होता है, वो होता है बच्चे घटा हुआ। आप लिख लेंगे घटा हुआ यानी माइनस किया हुआ है, मैं माइनस का साइन भी लगा रहा हूं, दिस इज घटा हुआ होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपको पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशंस, पार्टनर्स रेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, तो ये सारी चीजें घटी हुई होनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस के अंदर नहीं घटाया तो आपको घटाना पड़ेगा। और जो दूसरा नोट मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, ये याद कर लीजिए, प्रॉफिट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस। बस ये सीखते ही आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चे मैंने क्या लिखा हुआ है, बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस, यानी अप्रोप्रिएशन नहीं घटा हुआ होना चाहिए। बिफोर का मतलब होता है नहीं घटा होना, यानी कोई भी अप्रोप्रिएशंस अगर कहीं क्वेश्चंस में घटा करके दे दिया है आपको तो फिर जोड़ना पड़ेगा आपको। अब अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा, तो इसलिए मैं यहां पर बच्चे एक एरो करके और लिख दे रहा हूं, दिस इज यहां मैं लिख रहा हूं नहीं घटा हुआ है। अब आप समझ जाएंगे कि सर क्या समझाना चाहते हैं, दिस इज नहीं घटा हुआ। बस अब आपके दिमाग में आने वाला सारा डाउट समाप्त हो जाना चाहिए बच्चे। ये देखिए मैंने क्या लिखा, अप्रोप्रिएशन नहीं घटा हुआ होना चाहिए और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट घटा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं बीच में एक रेखा भी खींच रहा हूं जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगी।
जो appropriations होता है वो before appropriations होना चाहिए profit, यानी अगर questions के अंदर आपको कोई भी appropriations घटा करके दे दिया है तो आपको वो appropriation जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसे question में जहां आपको profit after partner salary, profit after इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से कोई भी अप्रोप्रिएशन घटा करके आफ्टर करके दिया हुआ है तो आपने क्या पढ़ के जाना है? आपको पढ़ के जाना है सर हमने तो पढ़ा है बिफोर और क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर, इसलिए अप्रोप्रिएशन दे रहा है घटा हुआ तो आपको जोड़ लेना पड़ेगा क्योंकि वो बिफोर होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देता है और बिफोर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे दिया तो आपको वो घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए क्या पढ़ा है बच्चे? आफ्टर। बस यही डिफरेंस होता है बच्चे। अगर ये डिफरेंस आप सॉर्ट आउट कर ले बच्चे तो आपका सारा डाउट समाप्त हो जाएगा। तो आज के बाद अपने दिमाग में भर लीजिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में पीएनएल अकाउंट लिखा जाता है, जो प्रॉफिट लिखी होती है उसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट घटे हुए होने चाहिए। अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं घटा है तो उसे घटा लीजिए। दूसरी बात, अप्रोप्रिएशंस नहीं घटा हुआ होना चाहिए, इसलिए अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई भी अप्रोप्रिएशन घटा हुआ है तो उसे आप जोड़ लीजिए। बस यही था वो डाउट जो उससे मैं सॉल्व आउट कर लिया हूं बच्चे। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद जो अगला डाउट आया वो अगला डाउट आया जिस पार्टनर्स लोन के ऊपर। हालांकि मैंने पार्टनर्स लोन के ऊपर भी बहुत डिटेल में आपको क्लासेस पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने कहा कि सर उसे कंफ्यूजन हो गया उस बच्चे को कि सर क्वेश्चंस के अंदर पार्टनर्स लोन का कभी तो वो डेबिट बैलेंस दे देता है, डेबिट बैलेंस, और कभी क्वेश्चंस के अंदर पार्टनर्स लोन का क्रेडिट बैलेंस दे देता है। बच्चे अगर आपको याद होगा पीछे दो क्लासेस जाकर के अगर आप देखें तो मैंने पार्टनर्स लोन के ऊपर कहा था कि एक पार्टनर्स लोन होता है जो फर्म ने लिया है और जो फर्म लेती है पार्टनर से वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, और एक पार्टनर्स लोन मैंने कहा था जिस फर्म ने दिया है और जो फर्म पार्टनर्स को देती है लोन वो पार्टनर्स लोन एसेट्स होता है। अब स्टूडेंट उसी को लिखने का ये दूसरा तरीका है, यानी ये जो आपको दिख रहा है पार्टनर्स लोन डेबिट बैलेंस ये फर्म के लिए एसेट्स है। आपको अगर याद नहीं तो मैं बता दूं जो कोई भी डेबिट बैलेंस होगा वो फर्म के लिए एसेट जैसा ही होगा, और ये जो है क्रेडिट बैलेंस ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि जो डेबिट बैलेंस है वो वाला कौन सा लोन हो गया? ये वाला लोन हो गया बच्चे कि जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। अब आप समझ जाएंगे फर्म ने ये लोन किसको दिया, मैं एरो बना रहा हूं एरो करके, दिस इज पार्टनर, यानी टू पार्टनर, समझ लीजिए फर्म ने पार्टनर को लोन दिया इसलिए फर्म के लिए एसेट्स हो गया। और जो क्रेडिट बैलेंस वाला है बच्चे वो क्या है? वो पार्टनर ने फर्म को दिया है। पार्टनर ने किसको दिया है? फर्म को। बस अब आप समझ जाइए कि दोनों का मतलब क्या होता है, यानी दिस इज क्रेडिट बैलेंस। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिखे तो ये लायबिलिटी साइड प्रेजेंट होगा और ये वो लोन को रिप्रेजेंट करेगा जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, यानी फर्म ने लिया है। और जो डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा, समझ लीजिएगा, फर्म ने पार्टनर को दिया है। बस अब आप इससे ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर यही दो डाउट आए थे मेरे पास जिसे बताना जरूरी था, तो मैंने सोचा वो आपके साथ डिस्कस कर ले। अब मुझे लगता है ये दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट मैं आपको फिर से एक अनाउंसमेंट दे दूं, लास्ट क्लास में वीडियोस में मैंने बताया था कि 1 जून से हम लोग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशंस पे जाके या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि 1 तारीख से फ्रेश क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ये चैप्टर 1 तारीख से पहले पहले यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो सारे बच्चे लगातार, अभी कोई इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस नहीं आएंगी, सीधे यही आएंगे सिर्फ अकाउंटेंसी की, क्योंकि 31 मई से पहले पहले मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। इसके अंदर जो भी टॉपिक बची हुई है बच्चे आने वाले दिनों में 31 मई तक पूरा करा दिया जाएगा, ये आपका बेसिक फंडामेंटल वाला चैप्टर। और जो भी बच्चे उसके बाद भी क्लासेस जारी रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जाकर के मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं रेगुलर क्लासेस में, तो वो फिर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे जुड़ करके। मिलते हैं स्टूडेंट नए क्लास के अंदर, नए वीडियोस के अंदर, नई टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।